जब से तुम्ही सन लागली, जब से तुम्ही सन लागली। जब से तुम्ही सन आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं डॉक्टर रेवा नातू जी। खास किस लिहाज से, इसकी कई वजहें हैं। एक तो संगीत का जो संस्कार है वो, दूसरा अपनी खुद की साधना, तीसरा कई गुरुओं से मिला स्नेह और शिक्षा, और चौथा खुद की अपनी संगीत की शैक्षणिक जो पाठ्यक्रम से जुड़ी जो चीजें होती हैं उसको लेकर इनका काम। इन सारे विषयों पर सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले रेवा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो जैसा मैंने कहा कि आपकी तो मतलब व्यक्तित्व में इतने सारे खास आयाम हैं कि उस पर एक एक करके ही बात करनी चाहिए। तो पहला तो जो संस्कार मिले बचपन में, और खासतौर पर पिताजी का एक देश के जाने माने तबला वादकों में शुमार रहना, उससे जो संगीत के संस्कार आए वो बहुत खास रहे होंगे, क्योंकि उसके लिए कहीं बाहर नहीं जाना था, वो बिल्कुल घर में आपको, घर की दीवारों तक में आपको बहुत प्यार से और बहुत आसानी से उपलब्ध हुआ। हाँ, सही बात है। मैं खुद को इसी वजह से बहुत भाग्यशाली मानती हूँ हर वक्त, क्योंकि तबला तो हर वक्त मैं सुनती आ रही हूँ बचपन से, और मेरे पिताजी सब गायकों के साथ बजाते थे, जैसे मालिनी ताई हुई, वीणा ताई सहस्त्रबुद्धि जी हुए, भीमसेन जोशी जी हुए, श्रुति सडलीकर और कई सारे, विश्व मोहन भट्ट जी, ऐसे कई मान्यवर लोगों को, विदुषी लोगों के साथ उन्होंने बजाया, और वो मुझे लेके जाते थे हर वक्त सुनने के लिए।
वो कार्यक्रम सुनाने के लिए, ये क्या होता है, वो ग्रीन रूम में कैसे आते हैं, कैसे बैठे हैं, सब मुझे बहुत अच्छा लगता था बचपन में, तो इसलिए मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मान चुकी हूँ, मानती हूँ। और अगर रेवा आप अपने पिताजी के भी पहले अगर हम जाएं थोड़ा सा और आपके आपके परिवार की संगीत परंपरा को समझना चाहें, तो क्या उससे पहले भी संगीत था परिवार में? हाँ, मेरे पिताजी के, मेरे दादाजी थे, वो भी तबला आर्टिस्ट थे, और मेरे पिताजी के चाचा जी बहुत अच्छे, महाराष्ट्र में जो कीर्तनकार होते हैं, कीर्तनकार बोलते हैं उसे, वो फेमस कीर्तनकार थे पूना के, और लता मंगेशकर जी ने उनका कीर्तन अपने घर में किया था, और वो उनको बाल गंधर्व जी का बहुत आशीर्वाद मिला है, मेरे पिताजी के अंकल को, तो ऐसी ये परंपरा ही रही है, और तबला और संगीत और कुछ नहीं, ऐसा ही है। तो आपके लिए तो बचपन बड़ा खास रहा होगा, क्योंकि जिन लोगों का आपने नाम बताया, मालिनी ताई से लेके और विश्व मोहन भट्ट जैसे दिग्गज कलाकार जिनके नाम में पूरी हाँ दुनिया सम्मान से खड़ी होती है, वो बचपन में घर आते रहे होंगे, बातचीत करते रहे होंगे, और हाँ आपको निश्चित तौर पर आप जब शुरुआती संगीत सफर शुरू हुआ होगा तो कई बार सुनाना भी पड़ता होगा, चलो अच्छा बेटा जरा राग यमन सुना दो, या राग भीम पलासी सुना दो, या राग मुल्तानी सुना दो, हाँ या वो जो तो होता जो रहता था, जी जी लेकिन क्या होता था, बचपन में इतना कुछ इम्पोर्टेंस नहीं था इसका, क्यों क्यों बोल रहे हैं, सिर्फ रियाज करो क्या बोल रहे हैं, वो गुस्सा, कई बार गुस्सा आ जाता था मुझे, ये तान 100 बार गानी चाहिए, आपने तानपुरा अच्छा नहीं लगाया, इसे बहुत, मुझे बहुत पिताजी पर गुस्सा आता था, लेकिन अब भी समझ में आ रहा है कि क्यों वो गुस्सा कर रहे थे, वो सही था, बिल्कुल सही था, और वो ऐसे बताते थे, चलो आप तानपुरा लगा के ये आप बोल रहे हैं, वैसा ही बोल रहे थे। एक बार यशवंत बुआ जोशी जी हमारे घर आए थे, वो ग्वालियर घराने के पुराने बहुत बुजुर्ग गायक थे, और उन्होंने मुझे बोला, क्या सीख रही हो, क्या रियाज कर रही हो, बताओ, देख गा के सुना दो मुझे, तो मुझे लगा कि ये मैं इनको क्यों सुनाऊं, मैं क्या रियाज करूं, इनको क्यों बोलता हूं वगैरह वगैरह ऐसा, लेकिन वो उस समय मैं छोटी थी और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पिताजी ने बोला नहीं, उन्होंने बोला है ना, तो बैठ के करना चाहिए, और कुछ मत बताना और कुछ मत कहना, ऐसा होता है। तो वैसे तो मतलब बेटियां जो हैं वो वैसे भी नॉर्मल भी पिता के ज्यादा करीब होती हैं, उनके दिल के ज्यादा करीब होती हैं, तो डांट वांट कम पड़ती है, लेकिन आपको तो मतलब फिर लगता है डांट पड़ी है इस बारे में। बहुत बहुत डांट खाई है मैंने, एक बार तो रियाज नहीं, एक बार ऐसे ही गुस्से में मैंने रियाज नहीं किया था, तो मुझे पिताजी ने एक बार धूप में खड़ा कर दिया था, यही खड़ी रहना, और बाद में फिर से मत कहना कि मैंने रियाज नहीं किया है, बिल्कुल ऐसे पिताजी कम और गुरु जैसे ज्यादा थे, ज्यादा है मेरे लिए मेरे पिताजी। अभी वो तो है, अभी भी वो सुनाते हैं मुझे, ये अच्छा नहीं आया, इसको रियाज करो, ये 25 बार गाओ, ये 50 बार गाओ, ये बंदिश ठीक नहीं आई, वो और अभी तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, और मुझे उनका महत्व बहुत ही, अभी तो मालूम ही पड़ गया है, ठीक है आप बोल रहे हैं ना, सही बोल रहे हैं, आप जैसा कहेंगे वैसा ही मैं करूंगी। बिल्कुल। और हमारे यहाँ बनारस के बहुत विश्वख्यात कलाकार हैं छन्नूलाल मिश्रा जी, आप जानती ही होंगी, हाँ उनके हाँ पुत्र हैं राम कुमार जी, वो तबला बजाते हैं, तो मैं जब इस सीरीज के लिए उनका इंटरव्यू कर रहा था तो कहने लगे कि कई बार तो पिताजी जो है वो छड़ी से पिटाई भी करते थे और उस वक्त बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब कई बार लगता है कि अगर उस वक्त दो चार छड़ी और खा गए होते तो और अच्छा सीख लिए होते। ये यही बात है, सही बात है।
आप फिर बचपन में मतलब खेलने कूदने का समय मिलता था या बस स्ट्रिक्ट था कि स्कूल जाना है, लौट के आना है और 25 बार ये राग और 50 बार ये ताल? थोड़ा बहुत तो यही था, क्योंकि वो तबला आर्टिस्ट थे, उनको गिनती और ये ताल वो ताल, ये मात्रा वो मात्रा, मेरी जो भी सहेलियां आती थी गान, मुझे सहेलियां भी सब संगीत टीम में ही थी, और उनको उनका सब वर्ल्ड तो संगीत ही है अभी भी, वो अभी 75 ईयर्स के हैं, लेकिन उनका अभी भी वर्ल्ड सिर्फ संगीत और संगीत है। मैंने कहा ना, मेरा वो मायका कम और गुरु गुरु खुल जाता है वो तो। ऐसा भी होता था, कोई सहेली आई, चलो झपताल दिखाओ, हाथ से दिखाओ, ऐसा करके करके तो कोई आना ही बंद हो गया है सहेली का। तो ऐसे ऐसा भी हुआ है, हर टेस्ट के टेस्ट को जाने से पहले स्कूल में नहीं, पहले तास भर रियाज करो, 1 घंटा रियाज करो और बाद में स्कूल चली जाना। मेरी 10वीं कक्षा के बोर्ड के पहले, बोर्ड से के टेस्ट होते हैं ना, तो वो पढ़ाई वगैरह होती रहेगी। अभी तुम 8-10 बजे है टेस्ट, तो 7 से 8 तक रियाज करोगी और बाद में तुम्हारा क्या है वो सब करना। ऐसा ही हुआ है। हम लोग इलाहाबाद में बहुत छोटे छोटे थे रेवा जी, इलाहाबाद से मेरा ताल्लुक है, वहीं का मैं रहने वाला हूँ। तो अच्छा होली होली के समय पे क्या होता था कि एक हफ्ते तक अड़ोस पड़ोस के घरों में हम लोग जाया करते थे और पापा मम्मी साथ लेके जाते थे। तो उसमें हमारा जो मोहल्ला था जहाँ हम रहते थे, उसमें यूनिवर्सिटी के बहुत सारे प्रोफेसर रहते थे। अब आप किसी के घर गए तो उसने पता चला फिजिक्स का कोई सवाल पूछ लिया, किसी के घर गए उसने मैथ्स का कुछ पूछ लिया, और पूछने का मतलब फिर वहां डांट ही खानी पड़ती थी। तो मैंने तो बाद में तय कर लिया कि मैं कहीं जाऊंगा ही नहीं। तो पापा जब मुझसे कहते, बेटा आज शाम को फला अंकल के यहाँ चलेंगे, हाँ पापा चलेंगे ना, लेकिन शाम को मैं ऐसा गायब होता था घर से कि फिर पकड़ में ना आऊं, ताकि कम से कम सार्वजनिक जो डांट पड़ती है उससे बच सकूं, वरना होता यही था कि डांट खानी ही पड़ती थी। खैर, ये कैसे तय हुआ, मतलब पिताजी का तबला बजाना, उनके उनके संस्कार, उनके डिसिप्लिन की बात तो समझ में आ गई, लेकिन आप गायकी में जाएंगी, इसके पीछे क्या ये वजह थी कि महिलाएं तबला वादन में उस तरह से नहीं है, क्या ये वजह थी, या स्वतः आपने गायन की तरफ ही अपना आपका खिंचाव गायन की नहीं, तरफ था? ऐसी बात हुई कि पहले मैं, मुझे डांस बहुत अच्छा लग रहा था, डांस मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैं 5 साल की थी तब, बाला साहेब गोखले जी थे यहाँ भरतनाट्य मंदिर में, तो उनके पास मुझे सीखने भेज दिया। तो हम जब छोटे होते ना, तब रियाज वगैरह सब क्या है ये, ऐसा ऐसा लगता है, और मुझे उनका भी बहुत गुस्सा आता था, ये ऐसा क्यों बोलते हैं, मुझे नहीं जाना क्लास वगैरह, मैं यहाँ खेल कूद वगैरह ऐसा ही करूंगी। लेकिन नहीं, मुझे ताल बहुत, लय ताल मात्रा ये सब बचपन से ही अच्छा लगता है, और अभी तो लगता ही है। तो एक बार दत्तोपंत आगाशे बुआ करके है, जो विनायक बुआ पटवर्धन जी के शिष्य है, वो हमारे घर आए थे ऐसे ही पिताजी से मिलने के लिए, और मैंने एक बार कुछ गुनगुना लिया, ऐसा ऐसा कुछ गुनगुनाया, और उनका कान मेरी तरफ था, तो उन्होंने बोला कि ये गाना क्यों नहीं सीख रही है, इसको गाना सिखा। मैंने बोला, हे देवा, अब मुझे गाना सीखना पड़ेगा, क्यों क्यों सीखना पड़ेगा। तो पिताजी ने बोला, नहीं, आगाशे बुआ ने बोला है तो बोला है, उनकी नजरिया अलग रहती है, तो तुम जाकर उनका क्लास शुरू कर दो गाने के लिए। और उस टाइम में ऐसा होता था कि वो बुलाते थे, मैं जाती थी, फिर से माँ से झगड़ा होता था, मैं नहीं जाऊंगी, वो डांटते हैं, ये नहीं करती, वो नहीं करती, रियाज नहीं करती, मैं नहीं जाऊंगी। तो माँ ने बोला, नहीं, तुम जाने वाली हो, और बाद में पिताजी से बोलना पड़ेगा मुझे। तो मैं चली गई, गपचुप से चली गई और सीखने लगी, और ऐसे मेरा
वो गाने का ये शुरू हो गया। देखो और फिर ये कब तय हुआ और ये किसने तय किया कि नहीं अब बाकी सब दरवाजे बंद, अब ये हो गया जो भी करना है, अब गायन को ही गंभीरता से लेना है और गायन में ही अपना भविष्य तलाशना है और कोई विकल्प नहीं है? ये आपने तय किया, पिताजी ने तय किया, या कैसे तय हुआ ये? नहीं, इस बारे में तो मैंने कहा, एक टाइम आया जब मुझे लगा कि नहीं, मुझे गाना ही करना चाहिए, डांस नहीं और तबला भी नहीं। तबला भी मुझे बजाना अच्छा लगता था, लेकिन नहीं, तबला नहीं, मैं गाना ही सीखूंगी, क्योंकि मुझे वो आ रहा है, मुझे पसंद आ रहा है। अरे ये राग तो इतने हैं, ये स्वर तो ऐसे है, वो पता था लेकिन ऐसे है, तो पिताजी के साथ थोड़ा थोड़ा गाकर, अरे ये आ रहा है ताल में भी, चलो सम पकड़ती हो अच्छी तरह से। तो उन्होंने ऐसा भी मुझे बोला कि बिल्कुल डांटा ही नहीं, तो वे भी बोले कि नहीं ये अच्छा हुआ है, तुम करो। और उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। बाद में स्कूल में हर एक कंपटीशन में मैंने भाग लिया, वो क्लासिकल की थी, अभंग की थी, भजन की थी, संस्कृत गीत की थी, नाट्य संगीत की थी, फोक सॉन्ग था, ग्रुप सॉन्ग था, एक भी मैंने नहीं छोड़ा। और सब मेरे इतने ढेर सारे अभी हैं सर्टिफिकेट फर्स्ट रैंक के। वो तो खैर आपके लिए, मतलब वैसे तो कलाकार के लिए सबसे ज्यादा मुझे लगता है जो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।